तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे एक मर्सिडीज़ का हमने इंजन डीकार्बनाइजिंग का प्रोसेस किया हुआ है। तो अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़। तो आप ये देख सकते हो इस गाड़ी का ओडोमीटर रीडिंग है 89,461, मतलब अराउंड ये गाड़ी 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये डीजल वेरिएंट है हमारे पास मर्सिडीज़ का। तो अभी हम इसका इंजन डीकार्बनाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये है इंजन डीकार्बनाइजिंग मशीन। अब इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये हमें ये मशीन से एक पाइप निकलता है इसके आउटपुट से, तो वो पाइप हमें गाड़ी के इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में डालना है। तो हम अभी गाड़ी का इंटेक मैनिफोल्ड थोड़ा सा लूज कर लेंगे, तभी ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस वो आपके गाड़ी के इंजन के सिलेंडर्स के अंदर जाके उस पिस्टन के ऊपर का कार्बन, वाल्व के ऊपर का कार्बन, जितने भी अंदर का इंटरनल कार्बन है उसे ब्रेक करेगा और वो साइलेंसर के थ्रू बाहर आ जाएगा गाड़ी के। तो इससे गाड़ी इंजन का, गाड़ी का जो इंजन है वो डीकार्बनाइज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमने इंटेक मैनिफोल्ड लूज करके अब उसमें हम पाइप अंदर ही अंदर डाल रहे हैं। ये पाइप से हाइड्रोजन गैस पास होगा इंजन सिलेंडर के अंदर। ये पाइप हमने डाल दिया है, अब हम मशीन पर आ जाएंगे और हर एक चीज़ अब हम देखेंगे कि कैसा कैसा होता है। ये हमने कार सिलेक्ट किया, ये गाड़ी का इंजन सीसी सिलेक्ट किया। ये गाड़ी का इंजन सीसी है 2500 सीसी के ऊपर, तो हम सिलेक्ट करेंगे अबव 2500 सीसी। और गाड़ी का किलोमीटर चल चुका 90,000, तो हम सिलेक्ट करेंगे अप टू 1 लाख किलोमीटर्स और हम प्रोसेस को रन कर देंगे। आप देख सकते हैं इस मशीन ने ऑटोमेटिक टाइम ले लिया है गाड़ी के इंजन सीसी और किलोमीटर्स के ऊपर से। तो हमें सिर्फ स्टार्ट करना है और वेट करना है। ये गैस का टेम्परेचर है यानी कि प्रेशर। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये है डीजल इंजेक्टर क्लीनर। आपने देखा वो जो सीरीज में था वो हमने डीजल इंजेक्टर क्लीनर यूज़ किया है, ताकि अंदर गाड़ी के जो फ्यूल टैंक के अंदर हम इसे इंजेक्ट करेंगे उससे गाड़ी के जो डीजल इंजेक्टर्स है जिसे हम नोजल बोलते हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, उसके ऊपर का भी कार्बन हट जाएगा। ये हमने 60 ml लिया हुआ है सीरीज के अंदर ये डीजल इंजेक्टर क्लीनर। अभी हम इसे गाड़ी के टैंक के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। हमने फ्यूल लेड खोल दिया है, अभी हम इसमें डीजल इंजेक्टर क्लीनर इंजेक्ट कर देंगे। अगर हम डीकार्बनाइजिंग के प्रोसेस में वो मशीन हमारी इंजन के सिलेंडर्स के अंदर कार्बन हटाएगी और ये जो नोजल के ऊपर जो कार्बन लगा होता है वो हम डीजल इंजेक्टर के थ्रू निकाल लेंगे। तो ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप करके ये हर एक प्रोसेस कवर होगा। अब आप देख सकते हो मशीन भी चल रही है और प्रोसेस भी स्टार्ट है। आप देख सकते हो कैसा एग्जॉस्ट में से ये जो ब्लैक स्मोक है वो निकल रहा है, यानी कि ये कार्बन है, बैड कार्बन। ये गाड़ी के अंदर का कार्बन ऐसे ब्रेक होकर इस साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इससे गाड़ी के इंजन में बहुत ही अच्छा डिफरेंस आपको पता चलेगा। उसका ड्राइव बेटर, उसका ड्राइव गाड़ी का स्मूथ हो जाएगा, गाड़ी का पिकअप इंक्रीज़ होगा। ऑफकोर्स अगर गाड़ी का अंदर का कार्बन अगर निकल रहा है तो गाड़ी का पिकअप इंक्रीज़ होगा। पिकअप इंक्रीज़ होने के कारण आपका माइलेज भी बढ़ेगा। तो माइलेज बढ़ने का जो रेशियो है वो है 2 to 3 km/L। तो इतना तक का माइलेज बढ़ता है, गाड़ी का इंजन रिफाइन होता है, गाड़ी का पिकअप बढ़ता है और गाड़ी का जो ऑयल चेंज करने का जो पीरियड है वो भी बढ़ता है। गाड़ी का पिकअप अच्छा हो गया, गाड़ी का जो धुआं निकलता था वो बंद हो गया, गाड़ी अभी स्मूथ चलने लगा अच्छे से। ये जो है अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को सर्विस, सेटिस्फाइड। ये डी कार स्पा को है ना सभी लोग है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये डी कार स्पा सर्विस अच्छा दे रही है। और जो 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 जुना गाड़ी है, 5 साल जुना गाड़ी है, इनके पास सर्विस करने से नया फील आता है, बेटर फील देता है। थैंक यू वेरी मच।